Okay, so let's begin with this fifth chapter in our SST, Life in the Northern Plains. हम लोगों ने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में तो ऐसे पढ़ लिया था, राइट, कि नॉर्दर्न प्लेन्स का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है वगैरह, कैसे इनका निर्माण हुआ. अब हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर लाइफ कैसे क्या है, राइट, लोग यहाँ पर किस तरीके से जो है जीवन व्यतीत करते हैं. तो मेनली हम लोग जो है पहले देखेंगे कौन कौन से स्टेट्स आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, और उसके बाद जो है इन स्टेट्स के लोगों के लाइफ और कल्चर को हम लोग पढ़ेंगे. नाउ जो इसमें स्टेट्स जो आते हैं, इनमें से एक है आपका पंजाब. नाउ पंजाब लाइज इन द सतलज बेसिन. इट शेयर्स इट्स कैपिटल चंडीगढ़ विद हरियाणा. पंजाब जो है वो सतलज नदी के बेसिन एरिया में आता है, मतलब सतलज का जो कह सकते हो कि कवरेज एरिया है ना, उसके अंदर पंजाब आता है. और ये अपनी राजधानी, इसकी राजधानी जो है चंडीगढ़. ये एक्चुअली हरियाणा और पंजाब दोनों की शेयर्ड राजधानी है, साझी राजधानी है चंडीगढ़. अब यहाँ के रिवर्स एंड सॉइल की बात करो तो ऑफकोर्स पहले हम लोग बात कर रहे थे कि तो सतलज के बेसिन एरिया में, तो मतलब यहाँ का मेन रिवर क्या हो जाएगा, सतलज. द मेन रिवर्स फ्लोइंग थ्रू सतलज, आई मीन रिवर्स फ्लोइंग थ्रू पंजाब आर सतलज. ऑफकोर्स साथ में हेल्प देने के लिए रावी और बिया भी हैं. ओके, द सॉइल ऑफ द स्टेट इज वेरी फर्टाइल एंड इरीगेशन इज डन मेनली थ्रू कैनल्स. जमीन जो है इस स्टेट का वो काफ़ी उपजाऊ है, फर्टाइल है, और इरीगेशन जो होता है पानी डालना खेत में, ठीक है, तो इरीगेशन जो है वो मेनली नहरों के द्वारा होता है, मेनली थ्रू कैनल्स. ऑक्यूपेशन की बात करें, अगर पेशे की बात करें, तो द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब इज फार्मिंग. पंजाब के लोगों का मेन पेशा जो है, प्रमुख पेशा जो है वो है खेती करना. क्रॉप्स, कौन कौन सी फसल उपजाएंगे, सो द क्रॉप्स ग्रोन हियर आर व्हीट, ग्राम, सुगर केन एंड कॉटन. गेहूँ, चना, क्या कहते हैं उसको भाई, ईख और कॉटन. तो ये जो कपास, ये सब जो है यहाँ की प्रमुख फसलें हैं. इंडस्ट्रीज, तो वेल पंजाब ऑल्सो हैज़ मैनी इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस टेक्सटाइल्स, होजरी, साइकिल्स, स्पोर्ट्स गुड्स एंड सोइंग मशीन्स. पंजाब में बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी हैं जहाँ पर कि कपड़ा बनता है, टेक्सटाइल, होजरी वाला जो होता है वो जिसका पेंट वेंट बनता है तो वो बनता है, साइकिल, स्पोर्ट्स का सामान, सिलाई का मशीन, ये इन सब की इंडस्ट्रीज भी पंजाब में है. फिर आगे बात करें हम टूरिस्ट प्लेसेस की, तो पंजाब में बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं, जैसे कि गोल्डन टेम्पल, जालियांवाला बाग, लक्ष्मी नारायण मंदिर और शीश महल. तो ये सब जो है पंजाब के फेमस आपके टूरिस्ट प्लेसेस हो गए. दिस इज़ गोल्डन टेम्पल, यू सी, पूरा गोल्डन गोल्डन है एकदम से. कपड़े की बात करें, अगर वहाँ के पहनावे की बात करें, ड्रेसेस, तो द पीपल ऑफ पंजाब वेयर कलरफुल क्लोथ्स. पंजाब के लोग जो हैं वो बिल्कुल रंग बिरंगा कपड़ा पहनते हैं. द वीमेन वेयर सलवार, कुर्ता, कमीज एंड दुपट्टा. महिलाएं जो हैं वो सलवार, कुर्ता, कमीज और दुपट्टा डालती हैं, वाइल मैन वेयर कुर्ता विद लुंगी और पैजामा एंड टर्बन या पगड़ी. पुरुष जो होते हैं वो कुर्ता लुंगी के ऊपर या पैजामे के ऊपर पहनते हैं और फिर सर के ऊपर जो है पगड़ी बांधते हैं, टर्बन. फूड, तो फूड में इनका है मक्के की रोटी, सरसों का साग और लस्सी. ये तो बिल्कुल फेमस है इधर का, ये इनका स्पेशल फूड आइटम में से एक हो गया. ऑफ कोर्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. डांस एंड म्यूजिक, द पीपल ऑफ पंजाब आर फोंड ऑफ डांस एंड म्यूजिक. पंजाब के लोग जो हैं उनको डांस और म्यूजिक बहुत पसंद है. ओके, भांगड़ा इज़ द पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ मैन, वाइल गिद्दा इज़ द डांस फॉर्म ऑफ वेमेन. भांगड़ा जो है वो पुरुषों का जो है पॉपुलर डांस फॉर्म है, जबकि गिद्दा जो है वो महिलाओं का डांस फॉर्म है. अब इसके बाद जो है बगल में ही इधर जो है हो गया आपका ये पंजाब का, और पंजाब के बगल में ही जो है फिर आपका हरियाणा हो गया, ये भी सतलज बेसिन में ही है. तो चंडीगढ़, ये भी पंजाब के साथ ही ये राजधानी शेयर करते हैं. यहाँ की ज़मीन भी जो है इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर वास्ट फर्टाइल लैंड्स एंड डेयरी फार्म्स. ये स्टेट जो है वो अपने बड़ी, आई मीन काफ़ी फैली हुई विस्तृत उपजाऊ जमीन और डेयरी फार्म्स के लिए जो है फेमस है. द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ हरियाणा आर एग्रीकल्चर एंड डेयरी फार्मिंग. मेन पेशा जो है हरियाणा के लोगों का है वो है खेती और डेयरी फार्मिंग, दूध का उत्पादन. नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भी करनाल हरियाणा में ही लोकेटेड है. अब इसके अलावा जो है ये स्टेट जो है वो अपने ब्रीड ऑफ कॉज एंड बफेलोज के लिए भी जाना जाता है. यहाँ पर काफ़ी जो है दुधारू किस्म के गाय और भैंसे मिलती हैं. क्रॉप्स की बात करें, जो मेजर फसलों की अगर हम बात करें,
तो द मेजर फूड क्रॉप्स ग्रोन हियर आर व्हीट, मेज, राइस, पल्सेस, सुगर केन, कॉटन एंड ऑयल सीड्स। ये यहाँ के जो है प्रमुख फसल हो गए, गेहूँ, मक्का, चावल, दाल, गन्ना, राइट, कपास, ऑयल सीड वगैरह। इरिगेशन इज डन थ्रू कैनल्स, यहाँ पर भी जो है नहरों के द्वारा जो है इरिगेशन होता है। द मेन कैनल्स आर द वेस्टर्न यमुना कैनाल एंड भाखड़ा कैनल सिस्टम। ओके, प्रमुख जो कैनल हैं, नहर हैं जिनसे कि यहाँ पर इरिगेशन होती है, तो वो है वेस्टर्न यमुना कैनाल और फिर जो है भाखड़ा कैनल सिस्टम। इंडस्ट्री, तो फरीदाबाद जो है हरियाणा में, फरीदाबाद इन हरियाणा इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ द स्टेट। फरीदाबाद हरियाणा में जो है वो एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल टाउन है स्टेट का। गुरुग्राम हैज़ द बिगेस्ट कार फैक्ट्री इन इंडिया, द मारुति उद्योग। गुरुग्राम, जिसे पहले गुड़गांव कहते थे, तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी, इंडिया की सबसे बड़ी कार फैक्ट्री है मारुति उद्योग। अदर इंडस्ट्रीज इंक्लूड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, साइकिल्स, ट्रैक्टर्स, टायर्स, सुगर, पेपर, ग्लास एंड ब्रासवेयर। तो ये बाकी और इंडस्ट्रीज हैं जो कि आपको जो है हरियाणा में मिलती हैं। ड्रेस की बात करें, मेन वेयर धोती और पैजामा विद कुर्ता, वाइल वीमेन वेयर घाघरा कुर्ता विद ओढ़नी। यहाँ पर पुरुष जो हैं वो ट्रेडिशनली, पारंपरिक रूप से पुरुष जो हैं वो धोती और पैजामा और कुर्ता पहनते हैं, जबकि महिलाएं जो हैं वो घाघरा कुर्ता ओढ़नी के साथ पहनती हैं। टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें, तो जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं हरियाणा के, वो हैं कुरुक्षेत्र, सूरजकुंड, पानीपत, करनाल और पिंजौर। फिर उसके बाद जो है आपका उत्तर प्रदेश, जो कि प्लेन लैंड में आता है, लेकिन अब हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे अगले सेशन में। अभी आप लोग जो है पंजाब और हरियाणा को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। वेल देन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।